एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंड फोबियस। जैसे कि आपको पता ही है, हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम आपके पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक और फोबियास, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज एंड हाउ वी डिफरेंशिएट इन बिटवीन देम। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एंजाइटी को लेकर। तो जैसे कि आपको पता हुआ, हम डेली बेसिस में लाइफ में हर रोज एंजाइटी को फेस करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, और जैसे कि अभी मॉडर्न जो आपकी सोसाइटी है उसको अगर हम रेफरेंस में लेके चले तो स्ट्रेस काफी कॉमन होता है। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि स्ट्रेस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। नेगेटिव स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस कहते हैं, और जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है हम उसे यूस्ट्रेस कहते हैं। आई होप आपको पता होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी को लेकर। तो जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आप अकेजनली एंजाइटी फील करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि अचानक से आपका कोई एक टेस्ट मैं ले रहा हूं, सरप्राइज टेस्ट, तो आपको थोड़ा बहुत एंशियस फील होने लग जाएगा। या फिर सडनली हमने कहा कि कल आपको यहां पर जाना है विदाउट प्रिपरेशन, राइट, तो भी आपको एंशियस या फिर आप कह सकते हैं एंजाइटी आपको लगने लगेगी। तो एंजाइटी आप देखोगे डेली बेसिस पर आप रोज एज एन इंडिविजुअल फेस करते ही करते हैं, राइट। लेकिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर कब हो जाता है, जब आप डेली बेसिस पर एंजाइटी फील करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्या होने लग जाती है, इम्यून होने लग जाती है। यानी कि आप एंजाइटी आपको हो रही है लेकिन पता नहीं चल रही है, जब तक आप एंजाइटी को लेवल, जो एंजाइटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए। यानी कि एंजाइटी हो रही है लेकिन अब आपको क्या हुआ है, पता चलना बंद हो गया है, बॉडी इफेक्ट हो रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जब तक एंजाइटी सीवियर नहीं हो पा रही है तब तक आपको उसका इफेक्ट ही पता नहीं चल रहा है, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप डेली बेसिस पर एंजाइटी नहीं है तो भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, और एंजाइटी है लेकिन एंजाइटी फील नहीं कर पा रहे हैं, अंटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए, दैट इज बोथ द केसेस ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर। आइए बात करते हैं। एक्सपीरियंस ऑकेजनल एंजाइटी इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ। हाउएवर, व्हेन ए पर्सन रेगुलरली फील्स डिसप्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ द एंजाइटी, इट माइट बिकम मेडिकल डिसऑर्डर, राइट। जब जो पर्सन है वो डेली बेसिस पर एंजाइटी फील करने लग रहा है, राइट, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर एंजाइटी को फील करता जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, मेडिकल डिसऑर्डर हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी ले लेना, या फिर एंजाइटी बहुत ज्यादा जब तक ना हो जाए तब तक आपको फील ना होना, बहुत केसेस में आपको क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर नीचे भी लिख रखा है, देयर आर सेवरल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें आपकी बात करूं, एंजाइटी क्या रहती है, देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, जो आपकी एंजाइटी होती है वो किसके लिए होती है, वो आपकी फ्यूचर के लिए होती है। यानी कि उस चीज जो फ्यूचर को रिलेटेड है, राइट, फ्यूचर के रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं जो फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में जब वरी होती है या वरी करते हैं तो आपको एंजाइटी होती है। छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एंजाइटी जब आप फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचते हैं या फिर चिंता करते हैं तो आपको एंजाइटी हो जाएगी। जब हम बात करते हैं फियर की, फियर क्या होता है, फियर एक रिएक्शन होती है किसके लिए, करंट इवेंट के लिए, यानी कि जो अभी राइट नाउ आपका क्या है, चल रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना, फियर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को शो करता है, यानी कि करंट इवेंट को, और एंजाइटी किसको शो करता है, आपकी फ्यूचर इवेंट्स को शो करता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट और द सेवरल एंजाइटी डिसऑर्डर। यहां पर मैंने आपको एकदम उनका जिस्ट दिया है, बहुत कोर पॉइंट में लिखा है, राइट। पैनिक डिसऑर्डर आपने सुना होगा, पैनिक डिसऑर्डर भी आपके किसके अंदर आते हैं, ये सारे जो मैंने डिसऑर्डर यहां पर लिखे हैं ये एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, एक्सपीरियंस रीअकरिंग और रिकरिंग पैनिक अटैक एट अनएक्सपेक्टेड टाइम। ए पर्सन विद द पैनिक डिसऑर्डर में लिव इन ए फियर ऑफ द नेक्स्ट पैनिक अटैक, राइट। या फिर आप देखिए इसमें दो कंडीशन में बताई है कि पैनिक अटैक को, पैनिक अटैक क्या होता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, इट मे पॉसिबल। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था आपसे यूजीसी नेट में, क्या पैनिक अटैक ड्यूरिंग द स्लीप आ सकता है, यस और नो,
कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ये यूजीसी नेट में आपसे पूछा गया हुआ है, क्या पैनिक अटैक आप सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं तब आ सकता है या नहीं। ओके, चार ऑप्शन दे रखे थे मैंने आपको, दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका मे भी था राइट, या फिर नन ऑफ दीज भी था। फिलहाल मैं इन दो ऑप्शन में से आपके लिए और इजी बना देता हूँ, यस और नो, कमेंट करके बताइए क्या पैनिक अटैक आपको ड्यूरिंग द स्लीप आ सकता है राइट। बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जब आपको पैनिक अटैक बिना किसी टाइम के या फिर अनएक्सपेक्टेड टाइम के आपको बार बार आने लग जाए, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर। और एक जो पर्सन होता है पैनिक डिसऑर्डर का, वो हमेशा एक फियर में जीता रहता है कि ना जाने अगला जो पैनिक अटैक है वो कब आ जाए राइट। उसे लगता रहेगा कि यार इट मे पॉसिबल अब आ जाए, इट मे पॉसिबल शायद थोड़े टाइम बाद आ जाए, तो वो कंटिन्यूसली किस में रहेगा, कंटिन्यूसली फियर में रहेगा। फोबिया की बात करते हैं, फोबिया मीन्स डर। फोबिया इज ए एक्सेसिव फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिचुएशन और एक्टिविटी, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी सिचुएशन का, किसी एक प्लेस का, किसी एक्टिविटी का एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा फियर होना, दैट इज कम अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द फोबिया। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये तो आई होप आप सबको पता होगा, एक्सट्रीम फियर ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिचुएशन और एक्टिविटी इन ए सोशल कंडीशन राइट, या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए ये मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है, इसकी जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बीइंग जज इन ए सोशल कंडीशन, बीइंग जज इन ए सोशल कंडीशन, ये मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया, ध्यान ही रख कि ये आपका नीचे वाला गलत है राइट, ये क्या है, ये गलत है आपका। ओके, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल को डर लगा रहता है कि लोग मेरे को सोशल कंडीशन में कैसे जज करेंगे, यानी कि सोशल कंडीशन मींस कि अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो लोग मेरे बारे में क्या करेंगे, मैं अगर खाना खा रहा हूं तो लोग मेरे खाने के बारे में क्या करेंगे, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे कैसे वहां पर बातचीत करनी है। तो दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज कि एक पर्सन को हमेशा एक एक्सट्रीम फियर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे को कैसे जज कर रहे हैं, दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आपका ओसीडी। ओसीडी क्या रहता है, रिकरिंग इरेशनल थॉट्स दैट लीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक या फिर रिपीटेड बिहेवियर। इरेशनल थॉट जो कि आपको क्या करते हैं, जो कि आपको स्पेसिफिक या फिर रिपीटेड बिहेवियर को करने पर आपको बिल्कुल क्या कर देते हैं, बिल्कुल मजबूर करते हैं कि यू हैव टू डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन राइट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लिख समथिंग लाइक कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को सफाई का बहुत ज्यादा, उसको ये है कि मेरे को सफाई मतलब एनवायरनमेंट चाहिए, तो ही और शी ऑलवेज डूइंग कंटिन्यूअसली डूइंग द यू नो क्लीनिंग देयर हाउस, क्लीनिंग देयर विंडोज, क्लीनिंग देयर शीट्स, वो क्या करता रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उसको सफाई चाहिए कि हल्की सी भी किताब टेढ़ी मेढ़ी ना हो, हल्का सा भी पेन जो है आपकी शेल्फ से बाहर ना आ रहा हो, That is obsessive compulsive disorder. ये किसके थ्रू रिलेट करा जाता है, ये irrational thoughts के थ्रू रिलेट करा जाता है। ओके, separation anxiety disorder, another part of the anxiety disorder. Separation anxiety disorder क्या होता है, fear of being away from home or the loved one. कि आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, that is separation, right? तो separation anxiety disorder होता है कि उनको fear रहता है कि हमें घर से दूर नहीं जाना। अब देखिए कहीं ना कहीं separation anxiety disorder और social जो आपका डिसऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो पर्सन जिसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है वो हमेशा घर में रहेगा, और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वो बंदा घर से बाहर नहीं जाएगा राइट। तो आई होप इन दोनों के बीच में आप रिलेशन समझ रहे होंगे। तो सेपरेशन डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर क्या रहता है कि वो जो पर्सन है वो घर से दूर नहीं जाना चाहता राइट, या फिर जो उनकी क्लोज फ्रेंड है या फिर लव्ड वन है उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है, एंड समहाउ When the loved one or the close friend or any one जो कि उनके साथ रहता है अगर वो लीव कर जाता है तो दे फील लाइक दैट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। इवन कई केसेस में देखा गया इतना सीवियर उनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है दैट दे वांट टू किल देमसेल्फ राइट। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट वन इज योर PTSD, से हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PTSD, that is post traumatic stress disorder, anxiety following by a traumatic event, कि किसी को भी एक traumatic event हुआ है उसके बाद क्या है उनको anxiety feel होती जरिए आ गया right। PTSD आपने बहुत common देखा होगा, women after the pregnancy उनको PTSD हो जाता है right।
पीटीएचडी मीन्स उनको बॉडी में जो चेंज आ जाते हैं, जो स्कार्स उनके स्टमक में बन जाते हैं, उसके रिलेटेड भी उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है कि यार हमारी बॉडी है वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल शेप में नहीं रही है या फिर आउट ऑफ शेप चली गई है। तो पीटीएचडी का एक मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मल बिल्कुल लेमन टर्म में एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो दीज आर द सम डिसऑर्डर दैट कम्स अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर। वी विल टॉक ईच ऑफ दीज डिसऑर्डर इन ए एक्सप्लेन विद इन सम अदर वीडियोस, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। दिस इज कैफिन शॉर्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल।